खबर मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर से है, जहां सोमवार की शाम को 6 बजे करीब भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा नगर में आने वाली थी, लेकिन यात्रा से पहले ही शाम को नगर के कुछ कांग्रेसियों को यात्रा में विरोध स्वरूप काले झंडे दिखाने से पहले ही पुराना बस स्टैंड से पुलिस ने हिरासत में लेकर के थाना में नजरबंद कर दिया था। आपको बता दें कि कुछ कांग्रेसियों को पुलिस द्वारा नजरबंद करने के बाद कांग्रेस कमेटी जिला अध्यक्ष बंसीलाल पाटीदार यात्रा आने से पहले नगर के कुछ कांग्रेसियों के साथ थाना पहुंचे और विरोध स्वरूप सभी ने नारे लगा करके धरना प्रदर्शन कर आंदोलन की चेतावनी दी थी। आपके कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया था, क्या था मामला? मामला क्या है, मुझे तो यही लग रहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा इनकी निकल रही है। वो जन आशीर्वाद यात्रा क्या है, वो तो जन विरोधी यात्रा है। ये तो माफ़ी मांगने के लिए निकले हैं, उसमें पुलिस प्रशासन का मदद ले रहे हैं। आज इसी तारतम्य में इन्होंने आगर में हमारे विधायक को गिरफ्तार किया, वहाँ 200 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया, वहाँ सारा प्रोटेक्ट हुआ, सुबह से शाम तक गिरफ्तार कर गया। उसी प्रकार आज यहाँ सुसनेर में भी यात्रा आने वाली है, उसके पहले 2 घंटा पहले 3 घंटा पहले इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को जो गिरफ्तार किया। और एक बात और कहना चाहूँगा, जो पुलिस जो गुंडागिरी कर रही है, जिस प्रकार से पुलिस दादागिरी कर रही है, ये सरासर गलत है। ये संविधान की हत्या कर रहे हैं, ये बर्बरता कर रहे हैं। क्या जुल्म है, क्या जुल्म किया कार्यकर्ता ने जिसे बंद कर रहे हैं? गुनाह करने के बाद गिरफ्तार करते हैं या यात्रा में उद्देश्य पैदा करने के बाद गिरफ्तार करते हैं, यूँ क्यों कर रहे हैं? आपका ये आरोप है कि बिना किसी कारण के उनको, हाँ, बिना जुल्म के गिरफ्तार कर रहे हैं, बिना कोई कारण के गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर इतने ही पुलिस महाशय इतने ही चतुर और चालाक है, इतने जान जाता है कि ये गुनाह करेंगे तो कितनी चोरी हो रही, चोर को पहले पकड़ ले, चोरी नहीं होगी। कितने बलात्कार हो रहे हैं उसको पहले पकड़ ले। जिस प्रकार हमारे कार्यकर्ता गुना कर, इनको पता पड़ गया ये गुना करेंगे तो गिरफ्तार कर लिया, तो और के लिए गुना पता नहीं पड़ता क्या इनको? कितने कार्यकर्ता थे हमारे? 10 लोग को गिरफ्तार करा गया। कांग्रेस इसको लेकर क्या करेगी? धरना आंदोलन कर रहे हैं, और जिसके लिए गिरफ्तार किया है उसका विरोध हम करेंगे, तो फिर आगे भी करेंगे, कर रहे हैं, करेंगे जब तक यात्रा निकलेगी, जब तक करेंगे। क्या अभी आपके आने के बाद उनको छोड़ दिया गया? नहीं छोड़ा गया। पुलिस प्रशासन से आपने बातचीत करी? क्या बातचीत करी? उन्होंने की हमें जो उपदेश ऊपर से निर्देश मिला है और उसके बाद छोड़ेंगे। कुल मिला के ये है कि आपके आने के बावजूद भी आपने पुलिस प्रशासन से बात करी, उसके बावजूद भी आपके कार्यकर्ताओं को अभी तक नहीं छोड़ा गया? नहीं छोड़ा गया, गिरफ्तार है।